अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। और बताए कैसी गुजर रही है जिंदगी। अपनी तो बहुत ही जबरदस्त गुजर रही है, बस जो गुजर रही है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वैसे भी आपको भी चाहिए कि जो गुजर जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर देना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल से एक सेकंड के हजारवें हिस्से तक का भी हमें एतबार नहीं है कि हमारी जिंदगी है या नहीं है। तो फिर जो गुजर जाए और अच्छे से गुजर जाए उस पर अपने खुदा का शुक्र जरूर अदा कर दिया करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक और जगह में अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगा, अगर मेरी बीवी की जान छूट जाएगी वीडियो बनाने से। निखिल जी पिछले एक घंटे से ट्राइपॉड और मोबाइल लेकर इसी जगह पर बैठी है। चलो खैर बना लो, तुम कह रही हो अच्छे वाले को कॉल करके पूछ ले ना, वहाँ पर जाएं और हमारा टाइम वेस्ट हो। और वो एक गिफ्ट भी आया है, वो देखिए वो कहाँ। किसका गिफ्ट आया? पार्सल आया। हाँ, एजल देख लेते। एजल के लिए आया? हाँ। अच्छा जी, देखे कहाँ से। देख लेता हूँ। बाय द वे आज मैंने अपना एक्सरा भी कलेक्ट करना है, जो कि मैंने दांतों का करवाया था, वो शायद उसकी आज रिपोर्ट आ गई होगी। अगर आ गई है तो फिर मैं डेंटिस्ट के पास सीधा जाऊंगा, और अगर रिपोर्ट नहीं आई तो फिर इंतजार करेंगे। इंतजार के अलावा तो कुछ और कर ही नहीं सकते ना हम लोग। जब भी बच्चे आते हैं ना घर, तो कुकू बेचारा बहुत तंग घूमता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं इसको। अभी ये भी छोटा अभी बाहर ले जाता है इसको ऐसे ऐसे करके, और कभी अंदर ले आता है। वो बेचारा थका हारा ना, इसको कुछ कह भी नहीं रहा। वो एक ही दफा एग्रेसिव होगा, फिर बहुत हैवी चोट लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ। शाबाश, तू अपने घर भाग जा, नहीं तो इन बच्चों ने तेरी जान नहीं छोड़। अब कुकू को मैं उसके घर ही बंद कर रहा हूँ, ताकि ये बेचारा हिफाजत से यहाँ सुकून के दो पल गुजार ले। अभी मैंने लेबोरेटरी में कॉल किया जहाँ से मैंने एक्सरे वगैरह करवाया था, वो कहते आज आपकी रिपोर्ट नहीं आई, आपकी रिपोर्ट कल आएगी। तो फिर मैंने कहा अब कल ही जाएंगे डेंटल के पास। भूख लग रही थी अभी बहुत ज्यादा, तो फिर आपा ने बना कर दी है पॉपकॉर्न के, अभी थोड़ी बहुत भूख का इलाज इससे करो, बाकी बाद में खाना शाना खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, पॉपकॉर्न से भी वैसे भूख तो मिटी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न तब तक अधूरे होते हैं जब तक मूवी ना लगी, समझ रहे हो। मूवी नहीं लगाओ क्योंकि बाहर जाना काम के लिए। निकल पड़े। ये क्या कर क्या रही हो तुम? ये आए हैं गिफ्ट्स। ये गिफ्ट्स आए हैं तुम्हें? Yes. कहाँ से? ये एजल के हैं, रबीका खान की तरफ से। अच्छा, ये भी उन्हीं की तरफ से है। ये इसमें क्या है? हमारे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। डिजिटल तस्बीह, डिजिटल तस्बीह, ये तस्बीह और कुरान पाक, माशाल्लाह। और ये इधर के? अच्छा अच्छा, ये हकीकी की तहाइफ है, ये उसका भी है और वैसे भी है। चलो ठीक है, आओ फिर निकले। निकले घर से हम लोग इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने पिक करना है अपने एक दोस्त को, जो के गुजरात से तशरीफ लाया है एक बस का सहारा लेकर, और बस ने उसे तकरीबन 3.5 घंटे में गुजरात से लाहौर पहुंचाया। तो मैंने कहा भाई तुम वहाँ ही रुक जाओ, मजीद जलालत से मैं तुम्हें बचा लेता हूँ और आकर बस स्टॉप से तुम्हें पिक कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो यार, कमल लाते बेच रही है। आजो आजो, बैठो 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 बैठो, ले आ डाला। वालेकुम अस्सलाम। यार भूख लग रही है तुझे? तुम अमेरिका? हमें भी बहुत ज्यादा लग रही है। ये अमेरिका से ही आया है। दरअसल हमारा जो गुजरात शहर है ना, वो अमेरिका। दरअसल हमारा जो गुजरात शहर है ना, अमेरिका उसके अंदर बसता है। बिल्कुल, पूरे लोड जी डरे पे और सारे टकिया और सारे क्या कहते हैं वो लगा के गए जी। क्या तुम नहीं वो क्या अबे जल्दी बोल, डंकी सब डंकिये लगा, डंकी जिंदाबाद। अच्छा क्या खाना है बताओ, मर्जी खवा दो बात, क्या खवा दो, तुम्हारे शहर जाए खवा दो, तुम्हारा भी है अब तो तुम्हारा ज्यादा अभी जी हम लोग आ चुके हैं मैकडोनल्ड, ऑर्डर करा है, अच्छी अच्छी आइटम्स करके आया ना ऑर्डर। अच्छा सारा मेन्यू ऑर्डर कर दिया, कितना बिल बना है? 44,000। OMG, टूटा। तीन बर्गर ऑर्डर करके आया और कह रहा है सारा मेन्यू ऑर्डर कर दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ये उससे बड़ी छुट्टी है जो उसकी इस गप पर उसे प्रमोट कर रही है, सारा मेन्यू ऑर्डर कर दिया। फूड आ गया जी अपना, अब बस खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। खाना शाना खाने के बाद हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आ गए थे, मैं और शेख।
ये वहाँ बैठकर शू पहन रहा है, मैं यहाँ बैठकर शू पहन रहा हूँ। यहाँ ही करेगा तो कैमरा बंद कर, मेरी बॉडी रिलीव करेगा। नहीं नहीं करता, शर्ट अपनी वैसे चेंज कर ले। इसने दरअसल नमाज के लिए अपनी शर्ट उल्टी कर ली थी। अंदर टाइगर है और ये नजर आ रहा है, ये बाहर भी टैग नजर आ रहा है इसका। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। अभी शॉपिंग देखते हैं क्या पसंद आता है, जो जो पसंद आएगा वो खरीद लेंगे, जो नहीं पसंद आएगा उसे दूसरों के लिए छोड़ देंगे। तू किसके लिए देख रहा है? अपने लिए। अच्छा अच्छा, तूने शोज किया करने हैं रात के टाइम में? यार पता नहीं है, साइज होता है कांटों में, साइज यही होता है, जितना चुप जाए उतना गहरा जख्म हो जाता है, बस ये रखो। कमल खरीद ले तो चले। इसको पता नहीं थी अपनी होने वाली बीवी के लिए या उसके लिए। हाँ बीवी के लिए कुछ लिया जाए तो अच्छा लगता है। मैं तुसी आगे पीछे हो गए, मैं ले लो ले लो ले लो, क्या लेना है? छाड़ बंद कर, फिर समझा कर, तुम्हारी भाभी के लिए लेना है मैंने बहुत। ये अच्छे लग रहे हैं। आज से शो शुरू। अब आया अपने असली रूप में यार। वो चेक कर रहे हैं उनको, कहीं लग रही है रिश्ता टूट जाएगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। लो लो अजीब बात है, सुनो जरा, ऐसी चीजें ना लगवाया करो। सुनो ये डरा रही है तुम्हें, रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता नहीं टूटता है, कंक्रीट पाया मैं। अभी मैं खरीदने लगा हूँ अपने लिए ये घड़ी, जो कि मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई है। शेख तेरी कहाँ है? तेरी घड़ी चौधरी ने, लेकिन मुझे तुम्हारी घड़ी ज्यादा अच्छी लगी। चौधरी ने महंगी घड़ी ली है। चौधरी ने कहा मैं महंगी लेने लगा, मैं कला क्यों ना। हाँ जी मैं तेन भी लेकर दूंगा, मैं तुझे भी लेकर दूंगा, ठीक है, लेकिन तेरे पैसों की लेकर दूंगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अपने पैसों की नहीं, ये दूसरी घड़ी दिखाइएगा अंकल। ये शेख ने ली है। शेख मुझे तो तुम्हारे वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं नहीं वो ज्यादा, ये ना ये बहुत ग्रेसफुल है। चल दोनों कभी कभी स्विच करके पहने, ठीक है। घड़ी शड़ी खरीदने के बाद हम लोग चले गए थे एक और आउटलेट पर, जहाँ से कमल ने अपने कपड़े खरीदने थे। लेकिन वहाँ तो औरतें बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ उस आउटलेट के हमले से लड़ रही थी, और मैं बेचारा वहाँ पर जाकर देखने लग गया कि लड़ाई क्यों हो रही है। तो तभी ना उनमें से दो औरतों ने मुझे पहचान लिया, और उन लोगों ने मुझे ऐसी खरी खरी बातें सुनाई ना, मैंने क्या किया यार, तुम लोगों की लड़ाई आउटलेट वाले के साथ है, मुझे कुछ सुना रही हो? दरअसल वो मुझे बातें सुना रही थी, देखिए जुल्कर्नैन भाई आप ऐसे हर चीज का व्लॉग बनाते हैं, तो अभी भी आप बोले कि ये आउटलेट वाले हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, वैसे आप हर चीज बनाते रहते हैं, तो अगर आपने ये वाली चीज नहीं ना बताई पब्लिक को अपनी, तो हमें पता चल जाएगा कि आप सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं। यही कहा था कमल, दुनिया जानते हैं। मैं जरा उर्दू में बता रहा हूँ ना, पंजाबी में ज्यादा बदतमीजी हो जाएगी। तो वो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। वो ना दरअसल बेचारी आंटी ये ना 4-5 दिन पहले अपने कपड़े खरीद कर ले गई थी, और उससे अगले दिन वो आई थी वापस कि हमारे कपड़े आप एक्सचेंज कर ले। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन बाद आ जाइएगा, हम लोग आपके कपड़े एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन जब भी वो बेचारी वापिस आई है आज के दिन, तो आउटलेट पर सेल लग चुकी। तो वो आउटलेट वाले कहते हैं कि हम लोग तो अब आपके कपड़े सेल प्राइस में वापस लेंगे, और आपको पैसे भी हम लोग रिटर्न सेल प्राइस वाले करेंगे। तो वो बेचारी इसलिए इतना लड़ रही थी, इतना लड़ रही थी कि हम लोग भी वहां से निकलने पर मजबूर हो गए। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के कवर चेंज करवाने के लिए। मेरे मोबाइल फोन का कवर कहाँ है यार, उसकी हालत मैं दिखा दूँ। ये चेक करो, इसे लगता है जैसे ये पिछले 1 साल से गटर में पड़ा हो, इतनी गंदी हालत मेरे कवर की हो चुकी थी, लेकिन अब मैंने चेंज करवा लिया है, और ये ब्रांड न्यू कवर अपने फोन पर चढ़ाया है आपके भाई ने। ये तूने चेंज करवाना? भाई मेरे को पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, मुंह की बात कर रहा हूँ। वैसे आज मेरे भाई शेख ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है। इसने जो घड़ी खरीदी है कितने की खरीदी हो गेस कर। इसने घड़ी खरीदी है 82,000 की, 82,000 रुपया लगा दिया इस बंदे ने। ओहो प्रोटेक्टर लगवाना मोबाइल पे? प्रोटेक्टर नहीं रहने दे बस, ठीक है। ये कवर चेंज हो गया, यही बस चाहिए था मुझे। पैसे बताएं यार, अब आप 70% ऑफ करने के बाद पैसे बता दें हमें। ये कवर भी साथ में ले लें और 70% ऑफ भी कर दें, पैसे बताएं।